पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ, तुम्ही ने ट्रे खींच के खाना खाना शुरू कर दिया। शुक्र है इतने दिनों बाद उन्होंने पेट भर के खाना खाया। इंशाल्लाह देखना अब सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे वो मूड सही करके मुझसे बात करना शुरू करता है। कर लेंगे। वो क्या कहती हैं, वो चिकनी चुपड़ी बातें, वो करना तुम उनसे। आमिर आप मुझे ऐसा समझते हैं? नहीं ऐसा नहीं समझता, मुझे पता है तुम्हें बहुत एहसास है हमारा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा सुने, एक हफ्ता हो गया हमारी शादी को, ऑफिस कब जाएंगे हम? हम नहीं, मैं जाऊंगा ऑफिस। क्यों, मैं क्यों नहीं? तुम अब यही रहोगी ना, तुम अपना रेजिग्नेशन लिख दो, मैं ऑफिस में सबमिट करवा दूंगा। तुम्हारी जगह अब ऑफिस में नहीं, इस चार दीवारी में। क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच आमिर, मैं कभी भी घर से बाहर निकल के जॉब नहीं करना चाहती थी, वो तो हालात ही ऐसे थे कि। जानता हूँ मैं सर, तुम परेशान नहीं हो, अब ये घर तुम्हारा घर है और तुमने इस घर को संभालना और अम्मी को खुश रखना है, क्योंकि अम्मी खुश रहेंगी तो मुझे सुकून मिलेगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि आप सुकून में रहें। मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना के लाती हूँ।